नंद फिर आके आसलो चले जाना, फर्स्ट रन सीधा आना, सेकंड रन सीधा जाना, थर्ड रन सेकंड रन फिर उधर आना है पेनल्टी के लिए, ठीक है? पेनल्टी मारना फिर 27 तो बेस्ट ऑफ लक आपको। सचिन शिंदे सारे देश इस खेल में दिलचस्पी दिखाने लगे। द्वारा किया जा की और से टीमों ने भाग लिया है इस प्रतियोगिता। खेलो इंडिया के बाद अभी हवास ने ऑर्गेनाइज किया है बैथलन चैंपियनशिप, तो यहाँ पे हरियाणा के भी आए, आईटीबीपी के भी, हवास के भी, और हम जेएनके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इससे पहले भी मैंने नेशनल्स खेले हैं और स्टेट चैंपियनशिप भी खेला है बैथलन में, नॉर्डिक्स किंग में। कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए और यूथ जो आए जेएनके के वो रिप्रेजेंट करे अल्पाइन स्कीइंग में, नॉर्डिक्स किंग में, बैथलन चैंपियनशिप में, स्केटिंग में। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है जेएनके के लिए कि वो अपने ही गुलमर्ग में आके ऑर्गेनाइज करे और खेले। मैं हरियाणा से इंटरनेशनल स्कीइंग प्लेयर हूँ और यहाँ पे अभी बैथलोन गेम का ओपनिंग हुआ है जिसमें हर स्टेट ने मैक्सिमम 7-8 स्टेट ने पार्टिसिपेट किया है जिसमें इंडियन आर्मी और आईटीबीपी भी थे। और आज जो ओपनिंग से पहले जो रेस हुआ है उसमें मेरा 3rd पोजीशन आया है, तो बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे जो अभी जो कॉम्पिटिशन हो रहा है बैथलोन का, सबकी जानकारी के लिए ये बताना चाहूँगा कि बैथलोन जो है वो क्रॉस कंट्री और फायरिंग का कॉम्बिनेशन होता है। और इसका क्योंकि इसका एसोसिएशन अलग है तो इसका कंपटीशन जो है अलग ऑर्गेनाइज किया जाता है और हॉज हर साल इसको करती है। हम लोग कोशिश हमारी है कि ये स्पोर्ट्स को पॉपुलर किया जाए और लोग इसमें इस बच्चे शामिल हों। और जैसा मैंने बताया जेएनके जो है वो अपने आप में अगर जेएनके मेहनत करेगा, जेएनके के बच्चे ज़्यादा आएंगे जेएनके के, तो तभी ये स्पोर्ट आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे गुलमर्ग जैसी बर्फ़ और गुलमर्ग जैसा स्कीइंग एरिया या क्रॉस कंट्री के लिए और कहीं भी कंट्री में नहीं है। तो जेएनके को इस स्पोर्ट में लीडरशिप का रोल जो है लेना पड़ेगा पूरी कंट्री में इस स्पोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं सभी एथलीट्स और सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ कि मेहनत करें और अच्छा पार्टिसिपेट करें और आगे के लिए तैयारी करें।